अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आउटपुट डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर एक नई आउटपुट डिवाइस इंपैक्ट प्रिंटर्स और उनकी टाइप्स को डिटेल में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ये जान जाएंगे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स यानी प्रिंटर्स की दूसरी टाइप्स, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स और उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इन तमाम टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। वो तमाम प्रिंटर्स जो के हैमर्स और पिंस को इंक रिबन पर मारे बगैर किसी भी अल्फाज, तस्वीर, नंबर्स या फिर ग्राफिक्स को कागज पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बेहतरीन मिसाल इंकजेट प्रिंटर है, जिसके अंदर स्प्रे के जरिए इंक के छोटे छोटे जर्रात को कागज पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर मौजूद कार्ट्रिज दो चीजों पर मुश्तमिल हो सकती है, टोनर जो कि पाउडर फॉर्म में या फिर बुरादी की शक्ल में मौजूद होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म की धातुओं और प्लास्टिक से मिलकर बनता है, और लिक्विड इंक जो कि लिक्विड फॉर्म में स्याही होती है जिसके जरिए बहुत ही बेहतरीन तस्वीरों को निहायत ही तेजी के साथ बनाया जा सकता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर मौजूद कार्ट्रिज को बआसानी तब्दील भी किया जा सकता है। ये आमतौर पर इंपैक्ट प्रिंटर की निस्बत बहुत तेजी से काम करते हैं और इंपैक्ट प्रिंटर की तरह शोर भी नहीं मचाते, लेकिन ये इंपैक्ट प्रिंटर की निस्बत ज्यादा महंगे होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की तीन टाइप्स हैं, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। थर्मल प्रिंटर्स थर्मल एनर्जी यानी हीट, तपिश और हरारत का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अल्फाज, तस्वीर, नंबर या फिर ग्राफिक्स को कागज पर मुंतकिल करते हैं। इनकी पहली किस्म है थर्मल वैक्स प्रिंटर। थर्मल वैक्स प्रिंटर जिस तरीके से जब मोमबत्ती को हीट दी जाती है तो मोमबत्ती पिघलना शुरू कर देती है और कहीं ना कहीं टपकना शुरू कर देती है, बिल्कुल इसी तरीके से थर्मल वैक्स प्रिंटर के अंदर भी इंक रिबन के अंदर एक खास किस्म की मोम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए हम जानते हैं कि थर्मल वैक्स प्रिंटर किस तरीके से काम करते हैं। थर्मल वैक्स प्रिंटर के अंदर मौजूद ट्रांसफर रिबन एक खास किस्म की वैक्स पर मुश्तमिल होती है। जब प्रिंटर के जरिए उस ट्रांसफर रिबन को हीट दी जाती है तो ट्रांसफर रिबन के अंदर मौजूद मोम पिघलना शुरू कर देती है और कागज पर मुंतकिल हो जाती है। जब उस कागज को ठंडा किया जाता है तो मोम मुस्तकिल तौर पर कागज पर छप जाती है। इसके बाद थर्मल प्रिंटर की दूसरी किस्म है डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर के अंदर एक खास किस्म की केमिकली ट्रीटेड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। जब उस पेपर को हीट दी जाती है तो वो पेपर अपने रंग को तब्दील कर देता है और किसी भी अल्फाज या फिर करेक्टर्स को छाप देता है। आइए हम जानते हैं कि डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर किस तरीके से काम करते हैं। डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर के अंदर भी सबसे पहले प्रिंटर पर हीट को अप्लाई किया जाता है। जब उस केमिकली ट्रीटेड पेपर को प्रिंटर में डाला जाता है तो पहले उसे चार्ज किया जाता है ताकि जहां जहां करेक्टर को छापना हो वो तमाम जगहें चार्ज हो जाए। फिर प्रिंटर के जरिए हीट दी जाती है तो जहां जहां चार्ज मौजूद होता है वो काले रंग में तब्दील हो जाता है और किसी भी करेक्टर या फिर नंबर्स को फॉर्म कर देता है। आइए हम जानते हैं कि थर्मल प्रिंटर्स के फायदे और नुकसान क्या हैं। थर्मल वैक्स प्रिंटर की निस्बत ये छोटे साइज के होते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए किसी किस्म की इंक या फिर टोनर की जरूरत नहीं होती। दोस्तों ये उन जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जहां पर क्वालिटी को मद्देनजर ना रखते हुए ज्यादा तादाद में चीजों को छापना हो, जैसे कि एटीएम मशीन या फिर किसी मार्ट के बाहर रखी हुई बिलिंग मशीन के साथ थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी क्वालिटी को बेहतर ना होने की वजह से इनके अंदर से निकलने वाला मवाद ज्यादा टाइम तक छपा नहीं रह सकता, यानी वो फेड होना शुरू कर देता है। दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये एक हीट सेंसिटिव प्रोसेस है, तो ज्यादा हीट देने की वजह से आपके प्रिंटर में से निकलने वाला प्रिंट खराब भी हो सकता है। इसके बाद नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की दूसरी किस्म है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर छोटे छोटे सुराखों के जरिए जो कि नोजल्स कहलाते हैं, इंक को तेजी के साथ कागज पर फेंका जाता है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इंकजेट प्रिंटर किस तरीके से काम करते हैं।
इंकजेट प्रिंटर के अंदर इंक कार्ट्रिजेस मौजूद होती हैं। इंकजेट प्रिंटर से निकलने वाली इंक इन कार्ट्रिजेस के अंदर मौजूद होती है। इंक कार्ट्रिजेस अलग अलग रंगों की इंक से भरे हुए होते हैं। इंक कार्ट्रिजेस से निकलने वाली इंक ड्रॉप की शक्ल में कागज पर मुंतकिल की जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंक कार्ट्रिजेस के अंदर चार तरह की इंक मौजूद है, सियान, मैजेंटा, येलो और मेजर कलर यानी की कलर जिसको ब्लैक कहते हैं। इसके बाद है प्रिंट हेड। आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर के अंदर मौजूद प्रिंट हेड जो कि इंक कार्ट्रिजेस के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है, जिसकी वजह से इंक का इंक कार्ट और प्रिंट हेड से एक वक्त में निकलने की वजह से क्लॉग यानी रुकावटें पैदा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए अब ये बिल्टिन भी आ रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर प्रिंट हेड इंक कार्ट्रिजेस के साथ बिल्टिन आ रहा है, जिसकी वजह से इंक बिना रुकावट के आसानी बाहर आ सकती है। इसके बाद है फीड रोलर। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर के अंदर इस तरह से कई किस्म के कई तादाद में रोलर्स मौजूद होते हैं, जिनके जरिए पेपर को प्रिंटर के अंदर की तरफ धकेला जाता है। दोस्तों इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि रोलर्स शुड बी क्लीन, यानी रोलर्स के अंदर किसी किस्म की गंदगी और मिट्टी मौजूद ना हो। इसके बाद है कैरेज और बेल्ट। दोस्तों इंक कार्ट्रिज के अंदर मौजूद इंक खुद से तो पेपर पर मुंतकिल नहीं हो सकती, इसीलिए जरूरत पड़ती है किसी कैरियर की जो उसे पेपर के ऊपर मूव करवा सके, जिसके लिए इंकजेट प्रिंटर में एक कैरेज और बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये इंक कार्ट्रिज है जो कि इस बॉक्स नुमा चीज में मौजूद है, इसको कैरेज कहते हैं, और इस कैरेज के साथ एक बेल्ट मौजूद है जो कि इसको पेपर पर आगे और पीछे मूव कराता है। बेल्ट के जरिए कैरेज में मौजूद इंक को पेपर पर आगे और पीछे मूव कराया जाता है। इसके बाद है नोजल्स। दोस्तों इंक को कागज पर डालने के लिए इंसानी बाल की मोटाई से भी छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं, जिनको नोजल्स कहा जाता है। इनके जरिए इंक को पेपर पर स्प्रे की तरह फेंका जाता है। दोस्तों नोजल्स से इस तरीके से इंक फेंकी जाती है ताकि कलर्स आपस में एक दूसरे से इस तरह टकराएं जैसे कि आप आउटपुट निकालना चाहते हैं। आइए हम जानते हैं कि इंकजेट प्रिंटर के फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों इंकजेट प्रिंटर्स ना सिर्फ कीमत में सस्ते होते हैं बल्कि ये आवाज भी पैदा नहीं करते, इसीलिए इन्हें आमतौर पर ऑफिसेज वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इनसे हासिल होने वाले प्रिंट की क्वालिटी और रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। ये एक इंच में 300 से लेकर 600 डॉट्स तक को प्रिंट करवा सकते हैं। ये इंपैक्ट प्रिंटर की निस्बत बहुत तेजी के साथ प्रिंट निकालते हैं, लेकिन इनका एक बड़ा नुकसान ये है कि इनके अंदर इस्तेमाल की जाने वाली इंक दूसरे प्रिंटर्स की निस्बत महंगी होती है। इंक कार्ट्रिजेस आर प्रोप्राइटरी, यानी आप जिस भी कंपनी का इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल करेंगे आपको उसी कंपनी की इंक को इस्तेमाल करना होगा। अगर आप एचपी का इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ एचपी की इंक ही को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको किसी और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इंकजेट प्रिंटर से निकलने वाले प्रिंट की इंक बहुत जल्दी मिटना शुरू हो जाती है। इसकी इंक के अंदर क्लॉग्स यानी रुकावटें भी बहुत आसानी इसके साथ पैदा हो जाती हैं, इसीलिए इसे डेली बेसिस पर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। दोस्तों ये थे इंकजेट प्रिंटर के फायदे और नुकसान। अगला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। दोस्तों लेजर प्रिंटर के अंदर लेजर बीम का इस्तेमाल करके किसी भी अल्फाज, तस्वीर, नंबर्स और ग्राफिक्स को कागज पर छापा जाता है। इसके अंदर लेजर बीम, हाई वोल्टेजेस, चार्ज्ड आयंस, पाउडर इंक जिसको टोनर भी कहा जाता है, और हीट को इस्तेमाल करते हुए पेपर पर आउटपुट निकाला जाता है। आइए हम जानते हैं कि लेजर प्रिंटर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों लेजर प्रिंटर जिस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो है चार्ज का कॉन्सेप्ट। हम ये जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं।
सबसे पहला लेजर प्रिंटर स्टेप्स के ऊपर काम करता है। सबसे पहला स्टेप है प्रोसेसिंग। लेजर प्रिंटर एक वक्त में एक पूरे पेज को प्रिंट करवाता है, इसीलिए पेज को सबसे पहले अपने प्रिंटर के अंदर मौजूद मेमोरी के अंदर लोड करवाता है। पेपर जब तक कि आगे नहीं जा सकता जब तक कि पूरा पेज प्रोसेस यानी पूरा पेज मेमोरी के अंदर लोड ना हो जाए। अगर आप किसी बड़ी ग्राफिक्स या फिर इमेज को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको अपने लेजर प्रिंटर की मेमोरी को बढ़ाना होगा। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है चार्जिंग फेज। इसके अंदर एक वायर मौजूद होती है जो कि जिसकी जॉब ये होती है कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्रम पर सेट कर देती है। ये चार्ज बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है एक्सपोजिंग फेज। लेजर बीम मिरर की मदद से ड्रम पर फेंकी जाती है। जब लेजर बीम ड्रम से टकराती है तो जहां जहां लेजर बीम टकराती है ड्रम का वो हिस्सा नेगेटिव से तब्दील होकर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसके बाद चौथा स्टेप आता है डेवलपिंग फेज। डेवलपिंग फेज के अंदर टोनर जो कि इंक कार्ट्रिज के अंदर मौजूद होता है इसको सबसे पहले नेगेटिव चार्ज किया जाता है। जब ड्रम रोटेट करता हुआ टोनर की तरफ से गुजरता है तो टोनर जो कि नेगेटिव चार्ज होता है और ड्रम जो कि लेजर बीम की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, टोनर जहां जहां ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहां ड्रम के ऊपर चिपक जाता है। अब डोनर जो टोनर ड्रम के ऊपर मौजूद है अब जरूरत है उस टोनर को पेपर पर मुंतकिल करने के लिए। जिसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है ट्रांसफेरिंग स्टेप। जब पेपर लेजर प्रिंटर से गुजरता है टोनर जो कि ड्रम के ऊपर मौजूद होता है पेपर पर मुंतकिल हो जाता है। ड्रम के मुसलसल मूव करने की वजह से टोनर पूरे पेपर पर मुंतकिल हो जाता है। इसके बाद जरूरत पड़ती है उस टोनर को पेपर पर छापने की, जिसके लिए सिक्स्थ स्टेप है जिसका नाम है फ्यूजिंग। दोस्तों फ्यूजर असेंबली एक डिवाइस होती है जो कि टोनर को हीट और प्रेशर एक साथ फराहम करती है। टोनर को हीट के जरिए पिघलाया जाता है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए पेपर पर छप जाए। ये थी लेजर प्रिंटर की वर्किंग। आइए इसको एक और बार समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है कि पेपर को मेमोरी के अंदर लोड करवाया जाता है, फिर ड्रम को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। लेजर बीम जहां जहां ड्रम पर पड़ती है ड्रम का वो हिस्सा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। टोनर जो कि नेगेटिव चार्ज होता है और ड्रम जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, टोनर नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो टोनर ड्रम के पॉजिटिव हिस्से की जगह पर जाकर चिपक जाता है। पेपर क्योंकि ड्रम रोटेट कर रहा होता है पेपर जब ड्रम के पास से गुजरता है तो टोनर पेपर पर मुंतकिल हो जाता है। उसके बाद पेपर को हीट और प्रेशर देने की वजह से टोनर मुस्तकिल तौर पर पेपर पर छप जाता है। ये थी लेजर प्रिंटर की इंटायर वर्किंग। आइए हम जानते हैं कि लेजर प्रिंटर के फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों लेजर प्रिंटर से हासिल होने वाली प्रिंट की क्वालिटी और रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है। ये एक इंच में 1200 डॉट्स तक को प्रिंट करवा सकते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर की निस्बत बहुत तेजी के साथ प्रिंट निकालते हैं। ये एक मिनट के अंदर 200 पेजेस तक को प्रिंट निकाल सकते हैं। वैसे तो लेजर प्रिंटर ओवरऑल महंगा होता है लेकिन इनकी पर पेज प्रिंटिंग कॉस्ट यानी एक पेज को छापने की कीमत नहायत ही कम होती है। इनके अंदर मौजूद टोनर इंकजेट प्रिंटर के अंदर मौजूद इंक कार्ट्रिज की निस्बत महंगा होता है। इनको ठीक करवाना यानी अगर आपका लेजर प्रिंटर खराब हो जाता है तो इनको ठीक करवाने के लिए भी अच्छी खासी लागत की जरूरत होती है। ये आमतौर पर इंकजेट प्रिंटर की निस्बत बड़े साइज के होते हैं। दोस्तों ये थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स और उनकी टाइप्स। अगले लेक्चर के अंदर हम प्लॉटर्स, वीडियो और ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस और माइक्रोफिल्म आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे।